हेलो एवरीवन, मैं रोहित बहुगुना आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स एंड पीई टीवी में। आज का टॉपिक है वेरिकोज वेन, विच इज वेरी कॉमन इन इंडिया। बहुत कॉमन है ये बुजुर्गों में एंड आजकल ये जवान लोगों में भी देखा जा रहा है। जवान एडल्ट्स यानी कि 30 से नीचे के लोगों में भी ये देखा जा रहा है। वेरिकोज वेन होता क्या है? आपकी पैर की वेन्स बल्ज होती हुई नजर आएंगी, एनलार्ज होती हुई नजर आएंगी एंड यू कैन सी देम। आप उनको देख सकते हैं कि आपके पैर में वो वेन्स बाहर आ रही हैं। कभी कभी इनमें पेन और थकान भी, पेन दर्द भी होता है और थकान भी होती है। ओके, इसका एक और वर्जन होता है जिसको हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। वहां बहुत बारीक वेन्स होती हैं जो कि जिगजैग वे में घूम जाती हैं। समटाइम्स ऐसी घूमी हुई सी आपको दिखती हैं, नीले नीले सी, आपको नीली एंड पर्पल कलर की, ब्लू एंड पर्पल, डार्क पर्पल कलर की आपको वेन्स पैरों में दिखेंगी। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया ज्यादा पैरों में होता है लेकिन ये आर्म्स में और इवन फेस की वेन्स में भी हो सकता है। ये बेसिकली एक वीनस इनसफिशिएंसी डिजीज है। वीनस इनसफिशिएंसी मतलब वेन्स का देखिए क्या काम होता है। वेन्स का काम होता है शरीर, पूरे शरीर से खून को वापस हार्ट में लेके आना। आर्टरीज से दिल का खून पूरे शरीर में जाता है और वेन से पूरा शरीर, पूरे शरीर के ऑर्गन से, मसल से खून वापस दिल की तरफ आता है। कई बार इन वेन्स को एंटी ग्रेविटी काम करना पड़ता है। स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ लोअर लिम्ब की यानी कि लेग्स की बात करूं तो यहाँ इन लोअर लिम्ब की वेन्स को एंटी ग्रेविटी फंक्शन की वजह से, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट उस ब्लड को ऊपर दिल तक पहुंचाना पड़ता है। कई बार इन वेन्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वेरिकोज वेन हो जाता है। ठीक है, इसका एक दूसरा वर्जन होता है स्पाइडर वेन, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें बहुत बारीक बारीक वेन्स में ये होता है और वो आपको ट्विस्टेड एंड बल्जिंग आउट दिखेंगी। ओके, एंड यू कैन अप्रिशिएट देम बाय सीइंग कि आप वो डार्क ब्लू एंड पर्पल कलर की आपको दिखेंगी, स्पेशली फोर लेग्स में। तो आइए जानते हैं इसके कारण क्या है, वेरिकोज वेन होता क्यों है। वीक और डैमेज वॉल्व कॉजेज ब्लड टू फ्लो बैक डाउन एंड पुल इन द वेन कॉजिंग वेन टू बल्ज। ओके, आपके पैर में जो वेन्स थी जो खून को वापस जिन्होंने ऊपर हार्ट तक फेंकना था, हार्ट तक पहुंचाना था, उन वेन्स के जो वन वे वॉल्व होते हैं वो वॉल्व खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से वो वापस बैकफ्लो को प्रिवेंट नहीं कर पाते और कुछ खून वापस सर्कुलेशन में हार्ट तक पहुंचता है और कुछ खून वहीं का वहीं पूल कर जाता है, वहीं ठहर जाता है। और जब ये ब्लड वहां उसी वेन में काफी देर तक ठहरा रहता है उसकी वजह से वेन का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वेन स्ट्रेच होती है एंड बल्ज आउट कर जाती है। वो आपको बल्जिंग और बड़ी हुई सूजी हुई वेन वहां नजर आने लगती है। इसके रिस्क फैक्टर क्या है, किन किन लोगों में रिस्क इसका होने का है? सबसे पहला, एज, बढ़ती हुई एज के साथ वेरिकोज वेन होने का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। सेक्स, वुमेन्स में हमारे देश में और अगर मैं पूरे संसार की बात करूं तो वुमेन्स में ये मेल से ज्यादा पाया जाता है। इट माइट बी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द हार्मोनल साइकिल। प्रेगनेंसी एंड बर्थ कंट्रोल पिल, यस, प्रेगनेंसी के दौरान भी बिकॉज आपका स्टमक का साइज बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान जिसकी वजह से आपके लोअर लिम्ब की ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी कट ऑफ हो जाती है। ये भी एक वजह हो सकती है कि प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन होने के चांसेस बढ़ते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल भी कुछ हार्मोनल इंबैलेंसेस लेके आती है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। बिकॉज एस्ट्रोजन हार्मोन अगर शरीर में ज्यादा हो जाए किसी कारण से तो वो वेरिकोज वेन होने के चांसेस को बढ़ा देता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके परिवार में आपके माँ पिताजी, आपके दादा दादी को वेरिकोज वेन की समस्या रही है तो आपको भी होने के चांसेस हैं। मैंने कहा चांसेस हैं, जरूरी नहीं है कि आपको होगा। ओबेसिटी, अगर आप मोटे हैं, ओबेसिटी क्या होती है, मोटापा, जब आपकी फैट परसेंटेज 25 से 30 से ज्यादा हो और आपका बीएमआई भी 30 पॉइंट से ज्यादा हो तब आप ओबीस कहलाते हैं। यानी कि आपके शरीर और की हाइट एंड वेट का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा जब खराब हो जाए, आप बहुत मोटे हो जाए। प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग जॉब, ये एक फंक्शनल डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। यानी कि आपकी नौकरी ऐसी है जिसमें आपको बहुत देर तक पैर लटका के एक ही जगह पे बैठना पड़ता है या बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है। जैसे कि एक गार्ड जो नौकरी कर रहा है स्टैंडिंग में, एक ट्रैफिक हवलदार जो खड़े होकर नौकरी कर रहा है, या फिर फैक्ट्री में ऐसे लेबर जो खड़े होकर नौकरी करते हैं, और ये कुछ व्हाइट कॉलर पीपल में भी हो सकता है जो पूरे दिन लैपटॉप पे बैठे रहते हैं अपने डेस्क पे। तो हमने कारण देख लिए, रिस्क फैक्टर देख लिए, आइए देखते हैं लक्षण क्या होते हैं। कब आपको पता चलेगा कि आपको वेरिकोज वेन हो गया है? बल्जिंग एंड ट्विस्टेड वेन, आपको अपने फोर लेग्स में, स्पेसिफिकली कई बार थाइज में भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर फोर लेग्स यानी कि बिलो नी होता है, आपको वहां बल्ज करती हुई और घूमी हुई ट्विस्टेड वेन्स नजर आने लगेंगी क्योंकि ये सुपरफिशियल वेन्स में ज्यादा होता है इसलिए वो आपको नजर आएंगी। डार्क इन पर्पल और डार्क ब्लू इन कलर, इसका कलर जो होगा ब्लू और पर्पलिश होगा। कई बार
ज्यादातर वेरिकोस वेन में आप कह सकते हैं सिर्फ आपको कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी दिख रही है, मतलब नीली और सूजी हुई वेन्स दिख रही हैं, ज्यादातर वेरिकोस वेन में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब यही वेरिकोस वेन आपको 5-10 साल हो जाते हैं, आपने 5-10 साल से आपको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, उसके बाद ये अपने नए सिम्टम्स को जन्म देती है, जैसे कि पेन, फटीग, आपके पैर थके हुए फील होंगे, आपको लेग में क्रैम्पिंग आ सकती है, आपको बर्निंग एंड इचिंग सेंसेशन हो सकती है, और आपके फोर फुट स्पेसिफिकली अगर वीनस इनसफिशिएंसी हुई है, वेन इनसफिशिएंट हो गई है वापस खून को फेंकने में, ब्लड नीचे पूल हो रहा है, जिसके कारण से आपके फोर लेग्स में एंड फुट में स्वेलिंग भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन, अगर इसका आपने सही समय पर इलाज नहीं कराया तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आपको फुट अल्सर्स हो सकते हैं, कई बार आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, वो बारीक वेन है, कई बार इतना सूज के इतना स्ट्रेच होते हैं कि वो फट जाती है और आपको ब्लीडिंग दिखने लगती है, बाहर खून निकलने लगता है, ऐसा कम होता है बट हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग, कई बार उन पूल, वो जो ब्लड वहां पूल हुआ है, वो ब्लड जो वहीं के वहीं वेन्स में पूल कर गया है, वो वहां क्लॉट कर जाता है, जो डेंजरस हो सकता है। आइए अब देखते हैं प्रिवेंशन, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं वेरिकोस वेन का होना, या अगर आपको वेरिकोस वेन हो गया है तो इन प्रिवेंशन को फिर भी आप अपना सकते हैं, जिससे वो वेरिकोस वेन की समस्या आगे सिम्टम्स को ना बढ़ाए और कॉम्प्लिकेशन तक आपको ना लेके जाए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, याद रखिएगा हमारे शरीर में 200 से ज्यादा बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होती है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका खराब हो गया तो आपको 200 से ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। यहां आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपको ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है, जी हाँ, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप एरोबिक एक्सरसाइजेस की तरफ ज्यादा ध्यान दें, बिकॉज इट एक्चुअली मेक्स यू मोर वर्कआउट मोर एट योर हार्ट एंड लंग्स, एंड आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है थ्रू आउट द बॉडी। आप वेट मैनेज कीजिए, बिकॉज ओबेसिटी इसका एक कारण था, इसमें वेट को कम करने की कोशिश कीजिए डाइट से, एक्सरसाइज से एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। हाई फाइबर एंड लो साल्ट डाइट, याद रखिएगा हाई फाइबर एंड लो साल्ट डाइट आपको हेल्प करने वाला है यहां। अवॉइड हाई हील एंड टाइट होजरी, हाई हील्स मत पहनिए, मैं स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात कर रहा हूं क्योंकि ध्यान में देखा वो होता भी फीमेल्स को ज्यादा है, इसलिए हाई हील्स अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। एंड उसके अलावा टाइट होजरी, टाइट होजरी का मतलब सिर्फ टाइट जीन्स से नहीं है या टाइट लेगिंग से नहीं है, टाइट होजरी का मतलब है जो कंस्ट्रिक्टिंग हो, कई बार हम इतने टाइट कपड़े पहनते हैं जिनका बेल्ट एरिया कंस्ट्रिक्टिंग होता है, तो टाइट होजरी एंड टाइट बेल्ट कॉर्सेट्स का यूज नहीं करना है। फ्रीक्वेंट चेंज इन पोजीशन, बिकॉज यहाँ एक कारण था प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय तक एक जगह तक बैठे रहना, एक जगह पे खड़े रहने की वजह से आपका चांसेस बढ़ रहे हैं वेरिकोस वेन होने के, इसलिए अपनी पोजीशंस को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिए। तो ये तो थी प्रिकॉशंस, अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जिनको आप घर में कर सकते हैं। याद रखिए ये सारी एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपेटिक एक्सरसाइज है, बट इन सारी एक्सरसाइजेस को करने से पहले आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को या अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जरूर कंसल्ट कीजिएगा। एंकल टो पंप्स करेंगे, सिटिंग एंड स्टैंडिंग काफ रेज करेंगे, स्ट्रेट लेग रेज करेंगे, साइड लाइन हिप अबडक्शन एंड काफ मसल स्ट्रेच करेंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम एक्सरसाइजेस की ओर। एंड आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का भी यूज कर सकते हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स बहुत अच्छी स्टॉकिंग्स होती हैं जो कि बिलो नी एंड अबव नी आती हैं, ये आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह से ही यूज करें, ये एक बेजोड़ इलाज है वेरिकोस वेन के लिए। थैंक यू, तो आइए चलते हैं फटाफट एक्सरसाइजेस की तरफ। फिजियोथेरेपेटिक एक्सरसाइजेस को हम देखते हैं और सीखते हैं कि घर में अगर आपको वेरिकोस वेन हो गया है या अगर आप चाहते हैं वो ना हो, यानी कि प्रिवेंशन एंड होम फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट एक साथ। तो पहली एक्सरसाइज है एंकल टो पंप, आप बैठे हुए हैं बहुत लंबे समय तक बैठे हुए हैं या आप खड़े हैं, आप दोनों एंकल्स को ऊपर नीचे फुल ऊपर नीचे कीजिएगा, डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन, या ऐसे कह लीजिए एक्सटेंशन फ्लेक्शन ऑफ योर एंकल, ऊपर नीचे आपको अप एंड डाउन मूवमेंट आपको एंकल टो पंप्स की करनी है सेवरल टाइम्स अ डे, इसमें कोई गिनती मत रखिएगा, जितना ज्यादा करें बैठे बैठे उतना बढ़िया, यहां आप ऊपर अपना काम कर सकते हैं, नीचे आपके पंजे चलते रहेंगे, दे विल नॉट डिस्टर्ब यू एट ऑल। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज जो कि आप बैठ के कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं लेग पेंडुलम स्विंग्स, आप पेंडुलम स्विंग्स कर सकते हैं बैठे बैठे, ऊपर आप अपना काम कर रहे हैं लैपटॉप पे या राइटिंग में और अपने पेंडुलम स्विंग कर सकते हैं, तो जस्ट बूस्ट योर ब्लड सर्कुलेशन, जिससे काफ मसल में आपके ब्लड ना पूल हो वापस ऊपर आ जाए। तीसरी एक्सरसाइज आप बैठे बैठे जो कर सकते हैं वो होता है सिटिंग काफ रेज, आप पंजों को जमीन पे टिका देंगे टोज को
एंड हील रेजेस करेंगे, हील रेजेस करेंगे, इसे काफ रेज या सिटिंग हील रेज कहते हैं। इसके बाद आप अपनी काफ मसल को बैठे बैठे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। मैंने ये एक मैनिपुलेशन बेल्ट यूज कर रहा हूं, या कोई सी भी बेल्ट यूज कर सकते हैं, या फिर घर में चुन्नी या तौलिया यूज कर सकते हैं। अपने पंजे में इसको फंसाइएगा, नी को स्ट्रेट करके पंजे को अपनी तरफ खींच लीजिएगा, जिससे आपकी पिंडलियों में, आपकी काफ मसल में स्ट्रेच आए। पंजे को आपने अपनी तरफ खींच लिया है, इससे आपकी काफ मसल स्ट्रेच हो रही है। उस स्ट्रेचिंग से भी एक स्क्वीजिंग इफेक्ट पैदा होगा, और उस स्क्वीजिंग इफेक्ट से ब्लड वापस काफ से ऊपर की तरफ आएगा। याद रखिएगा, दोनों पैरों का कीजिए। हो सकता है आपको वेरिकोज वेन सिर्फ एक पैर में हो, लेकिन आदत डालिएगा कि दोनों पैरों की आप स्ट्रेचिंग करें, बिकॉज जिसको एक पैर में वेरिकोज वेन होता है वो भी एक एग्रेवेटिंग और यू कैन से एक प्रोवोकेटिंग फैक्टर है, या ऐसे कह लीजिए उसमें रिस्क है कि दूसरे पैर में भी कभी हो जाए आगे जाके। तो इसलिए बेटर होगा कि आप दोनों की एक्सरसाइज करें। अगली एक्सरसाइज के लिए आप स्टैंडिंग काफ रेज कर सकते हैं। खड़े होइएगा विद योर फीट हिप विड्थ अपार्ट, पुट बोथ हैंड्स ऑन योर इलियक क्रेस्ट और योर ऑन और योर पेल्विस एंड काफ रेजेस। इसे कम से कम दिन में 3 से 4 बार, मिनिमम 15 से 20 रिपीटेशन हर बार। और अगर आप ज्यादा भी कर लेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली प्रॉमिस कर रहा हूं कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, फायदा होगा। ठीक है, आपको अपने फटीक लेवल, फटीक होने से पहले रुक जाना है बस। आखिरी दो कसरत मैं आपको लेट के बताऊंगा। पहली कसरत है SLR। आप दोनों पैरों को हवा में उठा लीजिए और फिर पंजों को चलाइएगा। जितनी देर आप अपने पैर रोक पाए उतना बढ़िया। अगर आप दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठा पा रहे हैं तो एक घुटना मोड़ लीजिएगा और दूसरे पैर को उठाइएगा एंड फिर एंकल टू पाम कीजिएगा। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2-3-4 तकिए रख के उसके ऊपर पैरों को ऐसे रख सकते हैं, या फिर वॉल पे ऐसे पैर रख के एंकल टू पाम वॉल पे कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी काफ एंड थाइस दोनों मसल्स को एक साथ, थाई मसल यानी कि क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग एंड अपनी काफ मसल यानी पिंडलियों को एक साथ में कर पाए। आप साइक्लिंग करिएगा, ट्राई टू मेक अ बिगेस्ट सर्कल पॉसिबल, जितना आपसे हो। जरूरी नहीं है कि पूरा ऊपर उठाना, जितना ऊपर आप उठा पाए आप उसे कीजिए। इट इज अबाउट मूवमेंट, हमको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है लोअर लिम्ब से ऊपर के शरीर की तरफ, जिससे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड आपकी वेन्स में पूल ना हो। लास्ट एक्सरसाइज, आप साइड लाइन में लेटेंगे एंड हिप रेज कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा एंड एंकल टू पंप कीजिएगा। ये उसका एक और वेरिएशन, आप लेग रेजेस ऐसे कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसको आप दोनों पैरों पे दोहराएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन एक्सरसाइजेस को यूज करेंगे, और ये एक्सरसाइजेस जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्रिवेंशन में एंड ट्रीटमेंट में दोनों में आपकी हेल्प करेंगे वेरिकोस वेन से। वेरिकोस वेन को बचाने में आपकी बहुत मदद होगी इन 5 एक्सरसाइजेस के थ्रू। एंड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एक एक्स्ट्रा उपकरण है आपके पास जो आप यूज कर सकते हैं, स्टॉकिंग सॉक्स की तरह होता है जिसे आप पहनेंगे एंड फुल डे पहन के रखेंगे, जो कि स्टडी कंप्रेशन थ्रू आउट देगा आपको, ओके, जिससे ब्लड वहां पूल ना हो। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं बहुत जल्दी मैं आपको दोबारा आपके लिए एक नई स्पेशल पॉपुलेशन की डिजीज की फिजियोथेरेपेटिक एंड एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन लेके आऊंगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड पीई टीवी, और मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट रोहित बहुगुना। थैंक यू।